हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज हम लोग बात करने वाले दो फ्लेक्सिबल डिवाइसों में जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ उतरे हुए हैं। तो पहला जो आपका रहने वाला है वो है आपका वीवो का V29 और दूसरा जो रहने वाला है ओप्पो का रेनो 11 प्रो। इन दोनों फ़ोन की कंपैरिजन के बारे में आज हम आप लोगों से बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले दो फ्लेक्सिबल मॉडल के बारे में जो कि वीवो का V29 और ओप्पो का रेनो 11 प्रो है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेनो 11 प्रो के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले जो आपको रेनो 11 प्रो में मिल रही है 6.7 इंच की फुल HD प्लस OLED की डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल रही है। अगर इसके रेजुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1080x2412 का रेजुलेशन मिल रहा है। वही दूसरी तरफ अगर हम लोग वीवो की बात करते हैं तो वीवो में आपको डिस्प्ले जो यहाँ पे आपको मिल रही है 6.78 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिल रही है। अगर इसके हम लोग रेजुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1080x2412 का यहाँ पे भी आपको सेम रेजुलेशन आपको मिल जाएगा। वेट की अगर बात करते हैं तो दोनों फ़ोन आपको 181 ग्राम सेम वेट पे आपका रहने वाला है। कलर की अगर हम बात करते हैं तो ओप्पो रेनो 11 में आपको दो काफ़ी अट्रैक्टिव कलर मिलने वाले हैं। पहला जो रहने वाला है पर्ल वाइट कलर, सेकंड जो रहने वाला है वो रॉक ग्रे कलर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वही दूसरी तरफ वीवो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको तीन कलर मिलने वाला है। पहला जो है आपका हिमालयन ब्लू कलर है, सेकंड आपका रेड है और तीसरा ब्लैक। मतलब यहाँ पे आपको जो है तीन कलर आपको मिल जाएंगे। चलते हैं हम लोग इसकी दूसरी तरफ यानी कि कैमरे की तरफ हम लोग चलते हैं। तो कैमरा आपको रेनो 11 प्रो में जो मिलने वाला है तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है विथ सोनी IMX709 सेंसर के साथ ये आपका रहने वाला है। मेन कैमरा जो आपका बैक कैमरा है यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का है विद सोनी IMX890 के साथ ये आपका रहने वाला है। सेकेंडरी कैमरा जो 32 मेगापिक्सल टेलीफोटो पे काम करता है वह आपका 709 सोनी IMX सेंसर के साथ जो रहेगा। थर्ड कैमरा जो रहने वाला है 8 मेगापिक्सल का है, वो अल्ट्रा वाइड एंगल पे काम करता है। वही दूसरी तरफ अगर हम लोग वीवो V29 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी तीन कैमरे मिल रहे हैं। मेन कैमरा जो आपका रहने वाला है 50 मेगापिक्सल के साथ आपका रहने वाला है। अगर इसके अपर्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे 1.8 का अपर्चर मिल जाएगा। सेकेंडरी कैमरा जो बोके मोड पर काम करता है वो है 2 मेगापिक्सल। अगर इसके अपर्चर की बात करते हैं तो ये 2.4 अपर्चर के साथ रहने वाला है। तीसरा जो आपका रहने वाला है वो अल्ट्रा वाइड एंगल 8 मेगापिक्सल कैमरे के साथ ये फ़ोन आपका रहेगा। और हाँ, यहाँ फ्रंट कैमरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल के साथ ये फ़ोन रहेगा। अब हम लोग इसके दूसरी तरफ चलते हैं यानी हम लोग इसकी परफॉर्मेंस की तरफ चलेंगे, प्रोसेसर वगैरह क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ओप्पो रेनो 11 प्रो के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर मिल गया है मीडिया टेक डायमेंसिटी 8200 का आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि 4 नैनोमीटर पे काम करता है। अगर इसके क्लॉक स्पीड की बात करते हैं तो यह आपका 3.2 GHz क्लॉक स्पीड के साथ रहेगा। वही दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो वीवो V29 की तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 778 का यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। क्लॉक स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2.5 GHz का क्लॉक स्पीड मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें दोनों फ़ोन के बैटरी और चार्जर की तो ओप्पो रेनो 11 प्रो में जो आपको बैटरी मिलने वाली है यहाँ पे आपको 4600 mAh बैटरी विथ 80W सुपरवूक फास्ट चार्जर के साथ रहने वाला फ़ोन है। वही दूसरी तरफ वीवो V29 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 4600 mAh बैटरी विथ 80W चार्जर के साथ ये फ़ोन रहेगा। बात करें एंड्रॉयड वर्जन की दोनों फ़ोन में तो सबसे पहले बात करेंगे ओप्पो की। तो ओप्पो में जो आपको एंड्रॉयड वर्जन मिलने वाला है यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 14 के साथ विद कलरस 14 मिल जाएगा और इसमें काफ़ी सारे अपग्रेड मिल रहे हैं। वही दूसरी तरफ वीवो की अगर बात करते हैं तो वीवो में भी आपको एंड्रॉयड वर्जन जो मिलने वाला है यहाँ पर आपको 13 का मिल रहा है विद फंटच ओएस 13.1 के साथ ये रहेगा। और दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन आपको अच्छा लगा बताइएगा हमको कमेंट पे ज़रूर से ज़रूर। और
एंड्रॉयड 14 जो आपको ओप्पो रेनो 11 प्रो मिल रहा है उसमें कुछ चीज़ें बढ़ी हैं, जैसे इसमें क्या मिल रहा है आपको, इमेज मैटिंग मिल रहा है, और सेकेंडरी जो है आपका 20 इंजन मिल जाएगा आपको, फाइल डक का ऑप्शन मिल जाएगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा, कैसे क्या होगा वो मैं वीडियो पे आपको दिखाता रहूँगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।